और पिछले दिनों गुरदासपुर में एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, लेकिन उस केस में जब पुलिस की तरफ से मैनेजमेंट को गिरफ्तार किया गया तो पंजाब के निजी स्कूलों में रोष पाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे पंजाब भर में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब के प्राइवेट स्कूल बंद किए गए। मानसा के प्राइवेट स्कूल अध्यापकों का कहना है कि मैनेजमेंट पर प्रशासन की तरफ से किया गया पर्चा रद्द होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए आता है और मैनेजमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं। असी एक नवा बदलाव लेके आए हैं सारे मिलके पंजाबी, असी के आस रखते हैं सरकार तो भी ये सरकार इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा गंभीरता नाल चले, तो जो पहला आले ने गलतियां कीतियां वो ना करे, साढ़े बच्चों इतने एक सेफ माहौल मिले, बच्चों एक पढ़न का वधन का हर तरीके का अच्छा मौका मिले। उस तो बाद एक सख्त कानून की जरूरत है, जो यह जे माड़े अंसर साढ़े समाज आ गए ने उन्हां नूं नत्थ पाउण दी जरूरत है। सरकारां नूं चाहिदा एक एग्जैम्पलरी जिहड़ी पनिशमेंट है वो दित्ती जावे, ताकि कोई भी अगे तो इस वक्त इस माड़े काम वल मूँह ना करे। मंग तां देखो असीं इक ही करदे हां वी हुण एक स्कूल है, स्कूल दे विच मैनेजमेंट है, टीचर्स ने, तो सारे नालों पहला तो यह देखा जाए कि वह बच्चों की कितनी संभाल करता है। एक स्कूल बहुत वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है मैनेजमेंट की, टीचर्स की, असी अपने बच्चों की इन्नी संभाल करते हैं तो अज साढ़े ते ही या साढ़े वर्गे लोगों ते होर मैनेजमेंट ते सवाल पूछा जा रहा बिना एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, कि जस्ट अगर उत्थे कोई चीज़ हुई है या कितने हुई है जिदा अता पता भी नहीं है उहदे ते इल्जाम लगाया जा रहा। एक स्कूल ट्रस्ट के बेसिस से माँ प्यो भेजते हैं, हुण असी भी स्कूल दे विच साढ़े कोल भी इन्ना बच्चा है, असी उन्हां